नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ये टेक्निकल वर्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत दोस्तों फिर आप सभी को एक बुरी खबर देखने को मिली है। ग्राम प्रधान की पावर यहाँ पर सीज कर दी गई है। बड़ी खबर आप सभी के लिए, 6 लाख की वित्तीय अनियमितता में ग्राम प्रधान की पावर सीज। हिंदुस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कल के दिन दोस्तों आपके ऊपर भी यहाँ पर कहीं कोई जो है आपकी भी पावर सीज न कर दे। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करने और ये क्या मामला है आप सभी को बताएंगे संपूर्ण जानकारी हिंदी में स्टेप बाय स्टेप। हिंदुस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप सभी देखते हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया से बड़ी खबर निकल के आ रही है, 6 लाख की वित्तीय अनियमितता में ग्राम प्रधान की पावर सीज। देवरिया के रामपुर कारखाना विकास खंड के हिदायतपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्रीनिवास पर मनरेगा के अंतर्गत 5.94 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। जिला अधिकारी जो है दिव्या जो है मिल्टन ने जांच की और दोस्तों यहां पर अधिकारी की जो कि आख्या के अनुसार, जांच के अनुसार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीनिवास के द्वारा ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत कराए गए 6 कार्यों में कुल 5,94,000 की शासनिक धनराशि की अनियमितता का दोषी पाया गया। इसके बाद उनसे कारण का नोटिस जारी किया गया और लेकिन इस उनके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण यहां पर नहीं किया गया है दोस्तों। वो शासन ने यहां पर उनसे जवाब मांगा लेकिन उनके पास कोई भी इसके स्पष्टीकरण की प्रस्तुति नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर दोस्तों, अगर आपके भी यहां पर कहीं मनने का वर्क चल रहा है दोस्तों, अगर आप भी उसका वर्क पर दोस्तों अनियमितता देखने को मिल रही, या अगर कोई यहाँ पर आप सभी का जो कार्य देखने आते हैं ऑडिट होते हैं दोस्तों, अपने कार्य को अच्छी तरीके से जो है पूर्ण कर लें, जो कार्य आपको दिया है उसे पूर्ण तरीके से स्वच्छ करें ताकि जो है गवर्नमेंट्स के पैसे मिसयूज ना हो। और दोस्तों जिला अधिकारी दिव्या मिल्टन ने ग्राम पंचायत में तत्कालीन वो वर्तमान ग्राम प्रधान का पावर सीज कर लिया है, जिसमें कहा कि बताया गया है कि जब तक ग्राम प्रधान रोपू से जो इनके मुफ्त ना हो जाए, प्रधान के पद रिक्त जो है रिक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों में संपादन के लिए ग्राम पंचायत में जो है समिति का एक गठन किया गया। ग्राम प्रधान के विरुद्ध आरोप की अंतिम जांच को जिला कृषि अधिकारी को जांच अधिकारी नामित 15 दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बड़ी खबर आप सभी मनरेगा के ऊपर निकल के आ रही है दोस्तों, अगर कहीं पर भी मनरेगा वर्क चल रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की पावर सीज हो सके, क्योंकि उस कार्य को उस तरीके से किया जाए जो कि गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज ना हो। जो रियल है वो आप सभी को वहाँ पर उसके पैसे का भी लगाना है और दोस्तों कार्य को भी संपूर्ण तरीके से पूरा करना होगा। बड़ी खबर आप सभी के लिए, इसी प्रकार के अपडेट आप सभी को मिलते रहेंगे। टेक्निकल वर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे। थैंक यू ऑल फैंस।